हेलो सुप्रभात दोस्तों, मैं नरेश जांगड़। अभी आप मेरे हाथ में एलोवेरा देख पा रहे हैं। एलोवेरा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद। अगर आप इसे खा सकते हैं तो खाइए, शरीर को बहुत फायदा देता है ये। अभी मैं इसको अच्छे से साफ कर लिया, धो लिया, मैं इसको कटाई करूँगा, इसकी गिरी अलग निकालूंगा, गिरी निकाल के फिर इसको खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा तो नहीं लगता, थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन शरीर को बहुत फायदा रहता है। ये देखिए, मैंने अभी इसको चाकू से इसकी गिरी उतार ली है, एक साइड से अच्छे से इसकी गिरी उतार लीजिए, फिर आप इसको खाइए, शरीर को बहुत फायदा देता है, बहुत ज़्यादा फायदा देता है। उतरिए, आप इसको खाना स्टार्ट करते हैं, चबा चबा कर खाना इसको, चबा बहुत अच्छा लगता, शरीर के बहुत से रोगों को दूर करता है, बहुत बढ़िया। थोड़ा कड़वा है लेकिन ठीक है, छिलका नहीं खाना इसका, खाली गिरी गिरी खानी है। ये छोटा इतना कड़वा नहीं है, बड़ा आ कड़वा होता है। इसकी गिरी खत्म कर दिया, कट कर दिया इसको, अब दूसरा लेते हैं। इसको मैंने पहले ऑलरेडी काट रखा है, चबा चबा के खाना, अंदर अंदर ऐसा वैसा रह रहे, चबा के खाना। चेहरे पे ग्लो रखता है, मैंने कई बार ट्राई कराई है, शायद वैसे मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये कब्ज में भी ठीक रहता है, मेरे को इसका फायदा है, कब्ज दूर करता है पक्का। मैं इतना खा चुका हूँ इसको, आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं इसको, जैसे करा ऐसे चेहरे पे लगा दीजिए, चेहरा एकदम सुंदर रहेगा, निखरा हुआ रहेगा। लोग बस कुछ लाते हैं बाजार से लेके आते हैं, उसमें 1-2% मिला होता है, ये पूरा है। बालों में भी लगा सकते हैं इसको, बाल भी सॉफ्ट हो जाते हैं बिल्कुल। बालों में भी लगा सकते हैं, बाल इससे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। गिरी भी खा सकते हैं, इसको जूस बनाते हैं तो उसमें भी इसको डाल सकते हैं, अगर आपको सीधा अच्छा ना लगे तो। मैं तो खा लेता हूँ इसको जैसे तैसे, बहुत कड़वा नहीं लगता है। एक और कट करते हैं, इसको बालों में लगाते हैं, डेंडर खत्म हो जाते हैं इससे, मेरे डेंडर खत्म हो नहीं जाता जल्द। बाल भी सॉफ्ट हो जाते हैं इससे,
पूरा लेप करो इसको।